TV9 डिजिटल मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में बड़े लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है, जिसमें लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे ग्वालियर चंबल अंचल की दो महत्वपूर्ण सीटों का, जिनमें मुरैना लोकसभा सीट और ग्वालियर लोकसभा सीट पर कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी। आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है और हम आपको बताना चाहेंगे कि ग्वालियर जिले से कांग्रेस ने पूर्व विधायक, जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से पूर्व विधायक थे त्रिवीण पाठक, उनको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो पिछला अपना विधानसभा 2023 का चुनाव हार गए थे भारत सिंह कुशवाहा, उनके सामने कड़े मुकाबले में खड़ा किया है। वहीं मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, जो भाजपा के जो पूर्व विधायक रहे थे 10 साल पहले, अब उनको चुनावी मैदान में संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व बीजेपी विधायक जो अब कांग्रेस में शामिल है सत्यपाल सिंह सिकरवार, उनको मौका दिया है। तो अब देखना होगा कि ग्वालियर और मुरैना की जो दोनों सीटें हैं, इन पर अब कांग्रेस प्रत्याशी खड़े कर दिए गए हैं, तो कितना रोचक मुकाबला रहेगा। वहीं खंडवा से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की इन दो महत्वपूर्ण सीटों की, जिनमें मुरैना लोकसभा और ग्वालियर लोकसभा, तो किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई दावेदार नहीं है जो ग्वालियर चंबल अंचल की इन दो सीटों पर उनसे मुकाबला कर सके, लेकिन देर सवेर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की अब घोषणा कर दी है। तो ऐसे में उनके जो दोनों प्रत्याशी हैं, तो कैसा कड़ा मुकाबला रहेगा बीजेपी के प्रत्याशियों से, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात इसमें बताई जा रही है वो ये है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका काफी समय पहले जो नाम आ गया था, इसका फायदा उनको मिलेगा, क्योंकि वे लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो ऐसे में ग्वालियर जिले से प्रवीण पाठक को लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाया गया, तो आपको प्रवीण पाठक जी के बारे में बता दूं कि वो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, ग्वालियर दक्षिण से विधायक रहे हैं, और उनकी जो काम करने की शैली है वो काफी तेज तर्रार है, और युवा विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, और किसी भी तरह के विवाद से वो दूर रहते हैं। तो ऐसे में जो उनकी निर्विरोध और बिना विवाद की जो छवि है, इसका फायदा उनको मिल सकता है, शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने उनको ग्वालियर लोकसभा से टिकट दिया है। वहीं अगर मुरैना की हम बात करें, मुरैना लोकसभा सीट की, तो मुरैना लोकसभा सीट से जो सत्यपाल सिंह सिकरवार है, उनका पूरा परिवार ही राजनीतिक रहा है, क्योंकि सुमावली विधानसभा जो मुरैना की है, वहां से वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उनके पिता भी वहां से दो बार विधायक रहे, उसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं वो कांग्रेस से विधायक हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा से, उनकी जो भाभी है वो महापौर है, तो एक पूरा राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक उनका एक एक्सपीरियंस है पारिवारिक। तो ऐसे में अब उनको, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जिसका अब उनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर सत्यपाल सिंह सिकरवार अब मुरैना लोकसभा से चुनावी मैदान में होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शिवमंगल सिंह तोमर, तो वो सक्रिय राजनीति में अभी काफी लंबे समय से नहीं थे, 3 बार वो उन्होंने वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 बार वो चुनाव हारे, 1 बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन ये भी एक लंबी समय की बात हो गई है, 10 साल पहले की ये बात है। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भी विश्वास किया है, तो दोनों ही सीटों पर हारे हुए प्रत्याशी है जो कभी ना कभी चुनाव हारे, लेकिन अब आमने सामने है। तो देखना होगा कि अब लोकसभा चुनाव में ये प्रत्याशी कितना कमाल दिखा पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह कुशवाहा कमाल दिखाते हैं, या फिर कांग्रेस से ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान मारते हैं, या फिर मुरैना लोकसभा सीट से सतपाल सिंह सिकरवार बाजी मारते हैं, या फिर शिवमंगल सिंह तोमर बाजी मारते हैं। हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी की ओर से किसी भी तरह का प्रत्याशी का नाम की घोषणा भी नहीं की गई है। तो ऐसे में अब जो ये मुकाबला है वो अभी दो जो प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस की लिस्ट तैयार था, चूंकि अब आ गई है, तो अब प्रचार प्रसार प्रसार में भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी अब उतरेंगे, लेकिन चूंकि अब समय भी उनके पास कम है, आधे से ज्यादा जो संसदीय क्षेत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो नाप चुके हैं। तो ऐसे में अब कितना सरल रहेगा प्रचार प्रसार, जनता के बीच जाना, पूरी जो पूरा संसदीय क्षेत्र है, काफी बड़ा संसदीय क्षेत्र है मुरैना का, ग्वालियर का, तो उसको डोर टू डोर कैंपेन करना एक बड़ी चुनौती अब कांग्रेस प्रत्याशी के सामने रहने वाली है। जी, तो अब